हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का मॉडल पेपर हाफ ईयरली के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ चैप्टर कवर किए गए हैं, जैसे रिवीजन टू फर्स्ट, रिवीजन टू सेकंड, वर्किंग विद फंक्शंस, यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी, फाइल हैंडलिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का स्टेप। ठीक है, अभी नई चैप्टर इसमें कवर किए। चलिए, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप आराम से देख लीजिएगा। मैं सीधे सेक्शन फर्स्ट पे पहुंचता हूँ। सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, 18 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आ ऑपरेटर विच कैन नॉट बी यूज विद स्ट्रिंग इन पाइथन। इन मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, यूज किया जा सकता है, प्लस कॉन्कैटनेट करने के लिए होता है, यानी दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, और मल्टीप्लाई स्ट्रिंग उतनी ही टाइम रिपीट हो जाएगी जितना आप मल्टीप्लाई यूज करेंगे, जितने मल्टीप्लाई के बाद डिजिट देंगे उतनी ही टाइम वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी। डी ऑप्शन फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन कभी भी स्ट्रिंग में अप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए ये वाला ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। विच इज करेक्ट डिक्शनरी डिक्लेरेशन। देखिए, इसमें हमने बोल्ड कर रखा है, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि इसी में देखिए की वैल्यू डिक्शनरी में आप लोग जानते हैं कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस के बीच में की वैल्यू पेयर होते हैं, तो की और उसकी वैल्यू, की और वैल्यू, और सारे की और वैल्यू कॉमा से सेपरेट है, बाकी सब में कोई ना कोई एरर है। जैसे यहाँ देखिए, इस वाले में इसलिए एरर हुई क्योंकि यहाँ पर डबल कोट से स्टार्ट हुआ और सिंगल कोट पे क्लोज हुआ है। ठीक है, D3 इसमें सी वाले ऑप्शन में क्या हुआ, स्ट्रिंग की क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, सिंगल कोट क्लोज नहीं किया गया कहीं, इसमें क्या है, कॉमा मिसिंग है। ठीक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसिंग है, इसलिए फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। सेट, नन, इंटीजर। रियल डेटा टाइप वैलिड पाइथन में नहीं होता है, बाकी सारे वैलिड पाइथन में डेटा टाइप है। अगली एक लिस्ट दी हुई है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन एन एरर। अगर हम इसको रन कराते हैं तो ये क्या करेगा, जीरो एड्रेस पर टू ऐड कर देगा, यानी 12 है। अगर देखें हमारे केस में, हमारी लिस्ट में, तो इसमें 12 है, 12 में टू ऐड हो जाएगा, यानी जब प्रिंट की जाएगी तो 14 अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। डी वाले ऑप्शन में एल प्लस इक्वल टू टू, ये एरर दिखाएगा, क्योंकि लिस्ट एक डेटा टाइप अलग है और टू एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटीजर डेटा टाइप और लिस्ट दो डिफरेंट डेटा टाइप ऐड नहीं हो सकते, जबकि ये मल्टीप्लाई कर देगा, यानी वो लिस्ट के कंटेंट को दो बार रिपीट करेगा एक ही लिस्ट में। जैसे ये 12, 78, 93, 52, 65 है, और यही सेम इसके बाद यही आ जाएगा और सेम लिस्ट में आएगा। D2 पर 99, यानी सारे सही है, केवल B ऑप्शन एरर डिस्प्ले करेगा। कंसीडर अ टपल इन पाइथन एंड नेम्ड T। एक टी नाम का टपल है जिसमें अमन, ज्योति, सूरज, आलोक कुछ लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। टपल का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, टपल क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी इसमें हम लोग को पी इक्वल टू टी एट जीरो प्रिंट कर देगा, टी में क्या वैल्यू आ जाएगी, टी जीरो की, टी जीरो मीन्स अमन आ जाएगा। T1 इक्वल टू राज, अब यहाँ इनिशियलाइज नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है कि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है और इसमें वैल्यू 1 पर अपडेट नहीं की जा सकती। ठीक, प्रिंट T2 प्रिंट कर देगा, 0, 1 और 2, यानी सूरज प्रिंट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ही इस केस में बी ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि इनवैलिड आपको स्टेटमेंट बताना है, तो इनवैलिड कौन सा है, बी वाला, तो हमारे लिए बी वाला ऑप्शन ही रहेगा। फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कौन सा फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न करता है, जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है वो होता है वॉइड फंक्शन। जो कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है उसको हम लोग नॉन वॉइड फंक्शन बोलते हैं या फ्रूटफुल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रॉन्ग वे टू डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने का रॉन्ग वे कौन सा है। ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है, इसमें वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू दे दी गई है, दूसरे वाले में तीसरे सही है क्योंकि पहले डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है फिर एक खाली वेरिएबल। इसमें ये मेथड गलत है क्योंकि y क्या है, y की कोई वैल्यू नहीं दी गई है और वो मिड में दिया गया है, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होंगी वो पहले आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और xyz या तो सारी एम्प्टी है, तो केवल c वाला ऑप्शन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अ वाइड फंक्शन ऑल्सो रिटर्न नन,
वैल्यू ऑफ इट्स कॉलर, ठीक है, टू इट्स कॉलर, कॉलर को क्या नन वैल्यू भी देता है, तो ये ट्रू होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ट्रू, ठीक है, ध्यान रखिएगा मार्क नहीं हुआ है, इसको आप ट्रू मानिएगा। टू रीड फर्स्ट 12 एलिमेंट फ्रॉम फाइल ऑब्जेक्ट FOBG, FOBG यानी ऑब्जेक्ट है फाइल का, और फर्स्ट 12 कैरेक्टर मुझे एलिमेंट रीड करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, FOBJ.read यानी object.read अगर आप करते हो तो पूरी कंप्लीट फाइल रीड हो जाएगी एज ए स्ट्रिंग, अगर रीड लाइन करते हो तो एक लाइन रीड होगी कंप्लीट, अगर FOBJ.read 12 ब्रैकेट में देते हो तो केवल 12 कैरेक्टर ही रीड होंगे, ठीक है, 12 एलिमेंट ही, फर्स्ट 12 एलिमेंट जहां से आपका कर्सर है, कर्सर अगर आपने पहले से ओपन किया है रीड मोड में तो 0 पर ही होगा, वो वहां से 12 कैरेक्टर रीड करें, तो इसमें करेक्ट के हमारे केस में क्या है, करेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट रीड और 12, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मोड द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ फाइल विल नॉट बी लॉस्ट, कौन सा फाइल मोड है जिसमें एग्जिस्टिंग डेटा लॉस नहीं होता है, देखिए आप राइट रीड मोड, राइट मोड एंड अपेंड मोड, तो रीड मोड में फाइल रीड मोड में ओपन होगी, राइट मोड में फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो उसी फाइल को यूज करेंगे, राइट मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वही फाइल यूज हो जाएगी, लेकिन उसका कंटेंट रिमूव हो जाएगा, कंटेंट डिलीट हो जाएगा या ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन अपेंड मोड में क्या होता है, अपेंड मोड में वो डेटा लॉस नहीं होता है, ओल्ड डेटा भी रहता है, एग्जिस्टिंग डेटा भी रहेगा और नया डेटा लास्ट से ऐड हो जाएगा, तो हमारे में AB+ मोड ही यहाँ पर ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इन फाइल ओपनिंग स्टेटमेंट रिजल्ट और जनरेट एन एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर क्या आएगी, रीड मोड में, बाकी सब में W मोड हो यानी राइट मोड या अपेंड मोड कोई भी हो उसमें फाइल क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी अगर एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि रीड मोड में एरर आएगी, ठीक है, फाइल ही नहीं होगी तो रीड किसको करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वेरिएबल नेम, देखिए 55 नम वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, रूल आपने पढ़ रखे हैं। बुक नेम, देखिए बुक नेम दिख तो आपको अलग लग रहा है लेकिन अंदर बीच में बुक और नेम के बीच में क्या लगा हुआ है, इसको डैश मत मानिएगा, ठीक, अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर वैलिड है केवल इसमें वेरिएबल नेम में, परसेंट यानी कोई सिंबल और नहीं हो सकते, तो ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, केवल बुक नेम ही चाहिए। 13 में फाइंड आउट द टाइप ऑफ एरर इफ एनी, कोड देखते हैं, कोड में है फर्स्ट में इफ पी लेस देन 5 प्रिंट कंप्यूटर एल्स प्रिंट साइंस, देखिए यहाँ पर पी की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो डिक्लेरेशन ऑफ पी क्या होगा, एरर आएगी, एरर कौन सी, डिक्लेरेशन एरर आएगी, ठीक है, बाकी इंडेंटेशन एरर है नहीं, एल्स स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे कुछ केस बन नहीं रहा है, नो एरर है नहीं, तो डिक्लेरेशन ऑफ पी की एरर आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवेल्युएटेड इन टू इन पाइथन, क्या है, प्रिंट 15.0 अपॉन 4+8, अब इसको अगर मैं करता हूँ 15.0 यानी ये क्या हुआ फ्लोट नंबर, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.75 रिजल्ट आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8+3 यानी 11, 11.0 प्लस 3.75 को ऐड करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 14.75, क्लियर है। कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू, इसका रिजल्ट क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आउटपुट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन इज इवेल्युएटेड, नॉट ट्रू मीन्स, नॉट ट्रू को देखिए, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक, और फॉल्स और ट्रू क्या होगा, और ऑपरेटर लगा है बीच में तो ट्रू होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, पहले स्टेटमेंट देखते हैं, वेलकम टू क्लास 12 प्रिंट एस, एस प्रिंट करेंगे तो जो एस स्ट्रिंग में है वो प्रिंट हो जाएगा, तो पहले में कोई एरर नहीं, दूसरे में एस इक्वल टू थैंक यू, कोई एरर नहीं दिख रही यहाँ, हाँ यहाँ पर एस जीरो इक्वल टू एट द रेट, आपको पता है स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होती है, इसलिए ये इनिशियलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है, यानी
अब स्टेटमेंट फोर्थ में एरर आएगी, इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फोर्थ, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग पहुंच रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4/3 × 4/2 एंड दिस इज द सेम, आप इसको देखिए और इसको देखिए, इनको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप मैनुअल भी बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाएंगे तब भी इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, ठीक है। इसमें क्या है, इस पूरे को कैलकुलेट करके फिर 4 को डिवाइड करना है जो रिजल्ट आएगा, और इसमें क्या है, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4-2 से, तो दोनों का रिजल्ट कभी बराबर नहीं आएगा, इसलिए फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि गिवन एक डिक्शनरी दी गई है, डिक्शनरी 1 एग्जाम इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है, ईयर की है और 2023 वैल्यू। डिक्शनरी रिजल्ट क्या है, एक दूसरी डिक्शनरी दी है उसमें कुछ वैल्यू दी है। विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी, कंटेंट दो डिक्शनरी को एक साथ मर्ज करने के लिए अपडेट डिक्शनरी का ऑप्शन होता है, डिक्शनरी डॉट अपडेट, यानी डिक्शनरी एग्जाम डॉट अपडेट डिक्शनरी रिजल्ट, डिक्शनरी एग्जाम में डिक्शनरी रिजल्ट को अपडेट करना है, बाकी तीनों ऑप्शन कोई नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी यहाँ से 2 marks each, ठीक है, दो दो नंबर के यहाँ से क्वेश्चन होंगे, बहुत आसान से ही। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, एक को आउटपुट लिखना है, ए की वैल्यू पहले इनिशियलाइज कराई गई है 95, फिर फंक्शन में ए की वैल्यू को ग्लोबल किया गया है, ठीक, 30, और बी को किया गया 98, यानी ए की वैल्यू ग्लोबल हो गई है। अब इसको हम आउटसाइड फंक्शन के बाहर भी प्रिंट करते हैं तो भी 30 ही आएगी, ठीक, बस यही ग्लोबल कीवर्ड का यूज आपको बताना था, ठीक। तो इसमें 30 और 98 इसका आउटपुट होगा, इसमें भी यही पॉसिबल आउटपुट आपको बताना है। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड विल गिवन बिलो, ठीक, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड गिवन बिलो, क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है डेप, एक डिफरेंस नाम का फंक्शन दिया है, n2 और n1 एंड n2 दो आर्गुमेंट इसमें पास होने हैं। इफ n1 इज लेस देन n2, तो अगर n1 बड़ा है n2 से, ग्रेटर देन, तो n1 से माइनस करें, अदरवाइज दूसरे वाले नंबर से माइनस करें। अब एक नंबर की लिस्ट दी हुई है, नंबर की लिस्ट दी है 30, 10, 23, 14, 54 और 32, ठीक, एक लूप चलाया गया है जिसमें CNT का यूज किया गया है, CNT यानी i की जगह पर, a की जगह पर, ये एक वेरिएबल है सिंपल, क्लियर। और ये लूप चल रहा है उल्टा, 4 से 0 आएगा -1 होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ एलिमेंट यानी 32 से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे 54, मतलब एक एक एलिमेंट पीछे होगा। इसके अंदर क्या लिखा गया, a = num add cnt, मतलब नंबर a में क्या आ जाएगा, 32, क्योंकि इसकी सीएनटी की वैल्यू क्या है, 4, और b में क्या आ जाएगा, cnt-1, यानी 4-1 = 3, यानी 54। अब इसको फंक्शन को यहाँ कॉल किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया ए बी और हैज भी साथ में प्रिंट कराया गया, एंड जीरो किया गया है, यानी एंड में कुछ है नहीं, इसका मतलब सेम लाइन में रहेगा। तो पहले डिफरेंस आएगा 22, फिर 40, फिर 9, फिर 13, ऐसे ही डिफरेंस। देखिए इसमें 32 और 54 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है n2, तो else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी 54 में 32 माइनस करेंगे तो 22 बचेगा, फिर इन दो में चेक होगा, 54 में और 14 में कौन बड़ा है, इसमें n1 बड़ा है, तो ये क्या होगा, 54 में 14 माइनस हो जाएगा, ऐसे ही सब में इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 40, फिर 14 और 23 को चेक करेगा कौन बड़ा है, 23 बड़ा है, 23 और 14 में माइनस करेगा तो 9 बचेगा, हर बार हैज साथ में ऐड करता रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ पिकल मॉड्यूल इन बाइनरी फाइल, पिकल मॉड्यूल बाइनरी फाइल में था, इम्पोर्ट पिकल हम लोग यूज करते थे, पिकल मॉड्यूल जब इम्पोर्ट किया जाता था तो उसके साथ हम लोग लोड एंड डंप दो फंक्शन मिल जाते थे, ठीक, लोड फंक्शन क्या करता था और डंप फंक्शन क्या करता था, इसका यूज मैंने बता रखा है, ठीक। डंप फंक्शन फाइल में राइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और लोड फंक्शन फाइल से डेटा को रीड करने के लिए करते हैं, तो पिकल मॉड्यूल का यूज आप लोग बाइनरी फाइल में लिख लेंगे, ठीक, इसका आंसर इसलिए नहीं लिखा है हमने।
क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रोल ऑफ लोड एंड डंप? अभी बताया है, लोड फंक्शन क्या करता है, फाइल जब फाइल को रीड करना होता है तो इसके लोड यूज किया जाता है, फाइल में जो डेटा को राइट करना होता है तो डंप यूज किया जाता है। ठीक, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैक, स्टैक का क्वेश्चन है, क्लियर है। स्टैक के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, वेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैक। स्टैक की प्रॉपर्टीज बता रखा है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, जो एलिमेंट फर्स्ट इन होगा वो सबसे लास्ट में आउट होगा, या ये कह सकते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफ होगा, ठीक है। और ऐसे ही डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन हमने बता रखे हैं, ठीक, थ्योरी वाले हैं, इनको आप लोग करेंगे आगे। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पुश एंड पॉप ऑपरेशन बता रखा है, पुश मतलब स्टैक में, स्टैक क्या है, लिस्ट ही तो है, सिंपल, तो डेटा को अपेंड करना या लिस्ट में डेटा को, एलिमेंट को इंसर्ट कराना, ये है पुश। और पॉप क्या है, डिलीट करना, पॉप फंक्शन भी है, और पॉप ऑपरेशन मतलब डेटा एलिमेंट को लास्ट से रिमूव करना। स्टैक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, स्टैक ओवरफ्लो इसमें लिस्ट में तो होता नहीं है, ओवरफ्लो तो होता है कि मान लीजिए साइज आपने दिया है 5 एलिमेंट का और इंसर्ट आप 6 एलिमेंट कर रहे हैं तो ओवरफ्लो की कंडीशन आती है। अंडरफ्लो का मान लीजिए एम्प्टी स्टैक है या एम्प्टी लिस्ट है और उसमें से आप कोई डेटा रिमूव करना चाह रहे हैं या कोई एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसमें जब एलिमेंट ही नहीं तो अंडरफ्लो की कंडीशन बनती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक, इसको हम लोग चेक करा लेते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सेक्शन सी में इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है, राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट अ फाइल admission.csv एंड इंसर्ट रिकॉर्ड ऑफ 5 स्टूडेंट इन फाइल एज एडमिशन नंबर नेम एंड क्लास। आपको एक admission.csv के यानी csv फाइल क्रिएट करनी है जिसमें 5 स्टूडेंट का एडमिशन नंबर नेम और क्लास इंसर्ट कराना है। प्रोग्राम इसका कैसे बनेगा, इम्पोर्ट csv, csv मॉड्यूल इम्पोर्ट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने fw रखा है, ठीक है, फाइल को राइट करने के लिए ओपन करते हैं फाइल को admission.csv, ठीक, w मोड में ओपन कर रहे हैं क्योंकि नई फाइल है। न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट बता रखा है, न्यू लाइन को हमने यहाँ पर ब्लैंक रखा है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब नई लाइन ये हर बार नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फाइल तो भी क्रिएट हो जाएगी, डेटा भी राइट हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो उसमें एक लाइन के बाद, एक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक लाइन आपको मिलती रहेगी, उस वो ब्लैंक लाइन ना मिले इसलिए न्यू लाइन में हमने ब्लैंक कर दिया है। fw का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू csv.writer और fw, यानी इस एडमिशन फाइल को कौन पॉइंट कर रहा है, fw, और उस fw को कौन पॉइंट कर रहा है, fobj। अब हम लोग fobj का ही यूज आगे करते रहेंगे। फाइल की हेडिंग डालने के लिए, डेटा की हेडिंग डालने के लिए हम लोग fobj.writer एडमिशन नंबर नेम और क्लास ये हमने एज अ लिस्ट राइट कर लिया, राइट रो के थ्रू। राइट रो फंक्शन क्या करता है, एक रो एक बार में लिखता है। अब मुझे 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है तो मैंने रिकॉर्ड नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बना ली है, एज अ लिस्ट हम इसमें इनपुट कर रहे हैं। फॉर ए इन रेंज 5, 5 स्टूडेंट का करना है, सिंपल एक फॉर लूप है, इसमें एडमिशन नंबर नेम क्लास और ये इनपुट करा लिए यूजर से, और उस लिस्ट को, इस डेटा को हमने एक लिस्ट में डाला, एडमिशन एडीएम नेम और क्लास, और इसको अपेंड करा दिया रिकॉर्ड वाले लिस्ट में। देख लीजिएगा यहाँ स्पेलिंग एक मिस्टेक हुई है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आ रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल आर लिखा हुआ है, तो ये एरर जनरेट करेगा, इसलिए आप, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अपेंड करा दिया उस लिस्ट को और obj.writeRows, तो हर बार इस लूप के अंदर है, एक रो इनपुट होगी और वही रो राइट होती चली जाएगी और लास्ट में फाइल को क्लोज किया गया, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स फ्रॉम यूजिंग स्टैक। देखिए ये हमने स्टैक पढ़ते समय पढ़ा था,
कोई एक्सप्रेशन होगी उसको हम स्टैक के थ्रू कैसे करेंगे, अगर सिंपल इवेल्युएट करने के लिए होता तो हम लोग उसको कर लेते हैं। स्टैक के थ्रू और भी बहुत आसान है, आपको एक टेबल बनी हुई दिख रही है और ऐसे ही आपको बनानी है, सीरियल नंबर का कॉलम बना लेना है, एलिमेंट जो भी आप स्कैन करने वाले हैं एक बार में एक ही एलिमेंट स्कैन होगा और स्टैक में जाएगा और एक्सप्रेशन क्या बनेगी। स्टैक में हमेशा ध्यान रखिएगा जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे जाते हैं स्टैक में और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो एक्सप्रेशन में जाते हैं, ठीक। और इसमें भी बोर्ड मास का फॉर्मूला, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, अब सिंपल बोर्ड मास न बोल करके पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक। इसके बाद ब्रैकेट के बाद सारे ब्रैकेट हो जाने के बाद अगर कोई एक्सपोनेंट है पावर है तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी सेम होती है, एड और सब्ट्रैक्ट की प्रायोरिटी भी सेम होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे डिस्कस किए थे वैसा करते रहेंगे। पहले एलिमेंट क्या स्कैन हुआ, ब्रैकेट ओपन, ओपन ब्रैकेट स्टैक में चला गया, जो ब्रैकेट है सिंबल है, ए स्कैन हुआ तो ओपन ब्रैकेट ही रहा और ए एक्सप्रेशन में आ गया। फिर प्लस स्कैन हुआ, प्लस हमने पुश किया, स्कैन करने का मतलब आप स्टैक में पुश कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। प्लस तो पहले से क्या था, ब्रैकेट ओपन तो था ही लेफ्ट ब्रैकेट और प्लस बी में आ गया, ए इधर रहा, फिर बी स्कैन हुआ तो बी कहाँ जाएगा, दूसरे साइड में आ जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ ध्यान रखना है जब भी आपको राइट ब्रैकेट मिले या ब्रैकेट क्लोज मिले तो जितने भी स्टैक में एलिमेंट हैं वो तब तक पॉप आउट होते रहेंगे जब तक आपको लेफ्ट ब्रैकेट नहीं मिल जाता है, और लेफ्ट ब्रैकेट भी पॉप आउट हो जाता है। तो यहाँ इस केस में देखिए प्लस था, प्लस के बाद ही लेफ्ट ब्रैकेट था तो कोई बात नहीं, प्लस को हमने पॉप करके कहाँ रख दिया, एक्सप्रेशन में, और इधर भी ये एम्प्टी हो गया, ठीक। फिर मल्टीप्लाई ये वाला मिलेगा, मल्टीप्लाई हमने स्कैन कर लिया, मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, स्टैक में, और ए बी प्लस ही रहेगा। फिर सी आ जाएगा, सी है ना, एक्सप्रेशन देखते रहेगा ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखी है इसी को ध्यान में रखना है, ठीक, एक्सप्रेशन जो लिखी हुई है इसी को ध्यान में रखना है। सी मल्टीप्लाई रहेगा, ए प्लस ए बी प्लस सी इधर आ जाएगा एक्सप्रेशन में। फिर प्लस स्कैन होगा तो मल्टीप्लाई पहले से था, जब प्लस आएगा तो चूंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाई है और प्लस की प्रायोरिटी लो है, ठीक, तो लो प्रायोरिटी वाला जब कोई एलिमेंट स्टैक में आएगा तो हाई प्रायोरिटी वाला मूव कर जाएगा एक्सप्रेशन में। तो ए बी प्लस सी और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ मूव हो गया, प्लस इसमें बचा, डी स्कैन कर लिया, प्लस ही रहा और डी यहाँ आ गया। फिर डिवाइड, अब देखिए डिवाइड में प्लस और डिवाइड दोनों आ गए, तो प्लस था लोअर वाला और ये डिवाइड था हाइयर वाला। अगर हाइयर प्रायोरिटी का एलिमेंट पहले से है तो लोअर वाला जब स्कैन होगा तो हाइयर वाला मूव हो जाएगा, लेकिन अगर लोअर वाला पहले से है और हाइयर प्रायोरिटी का कोई एलिमेंट आ रहा है, कोई ऑपरेटर आ रहा है, तो वो एज इट इज रहेगा। फिर ई स्कैन होगा, यहाँ देखिए ई स्कैन हुआ, ई स्कैन होगा तो ई भी इधर आ जाएगा। इसके बाद माइनस स्कैन होगा, माइनस स्कैन हुआ तो माइनस क्या हुआ, यहाँ देखिए प्लस था और ये क्या था डिवाइड, तो माइनस आने पर क्या हुआ, क्योंकि ये यहाँ से पहले हायर प्रायोरिटी थी तो ये दोनों पॉपआउट हायर में और बराबर की प्रायोरिटी वाला भी, जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन अगर मान लियो डिवाइड पहले से है और मल्टीप्लाई अगर आएगा तो वो मूव हो जाएगा क्योंकि तो दोनों सेम प्रायोरिटी के पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस भी सेम प्रायोरिटी का और ये हाई प्रायोरिटी का, यानी ये दोनों पॉप आउट होके कहाँ जाएंगे, एक्सप्रेशन में। फिर लास्ट में एफ स्कैन होगा, माइनस तो था ही और एफ भी आ जाएगा। इसके बाद कोई एलिमेंट स्कैन होने के लिए बचते नहीं है तो स्टैक को एम्प्टी कर देना होता है, यानी माइनस भी उठ करके इधर आ जाएगा और ये हमारी फाइनल इवेल्युएटेड एक्सप्रेशन मिल गई। अगला ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इवेल्युएट द गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये पोस्टफिक्स दी हुई इसमें कोई वैल्यू दी ही और इनको आपको इनका रिजल्ट निकालना है, तो सीरियल नंबर, इनपुट सिंबल या एलिमेंट जो भी है, ठीक, और स्टैक की स्टेटस दिख रहा है यहाँ पर, स्टैक में क्या जा रहा है और कैलकुलेशन या आउटपुट आपको दिखेगा। पहले सिक्स मिला तो सिक्स को हमने पुश किया, सिक्स आ गया स्टैक में। फिर फोर मिला तो फोर को स्टैक में पुश किया और फोर आ गया। फिर जैसे कोई ऑपरेटर मिलता है, जब ऑपरेटर मिलेगा तो लास्ट के दो एलिमेंट पॉप आउट होंगे और जो भी ऑपरेटर होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमारे केस में क्या था, हमारे केस में सिक्स और फोर दो एलिमेंट थे और प्लस ऑपरेटर था, तो सिक्स प्लस फोर क्या हुआ,
सॉरी यहाँ गलत लिख गया है, 6+4 हो गया, 5 टाइप हो गया है, ये 6 मानिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसी टाइपिंग मिस्टेक मिलती रहेंगी तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 6+4 देखिए रिजल्ट 10 हुआ, ये सही लिखा हुआ है, लेकिन 5 और 6 में कहीं हो गया होगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको पुश कर देना है, तो 10 क्या हुआ, पुश हो गया। अब 8 आएगा तो 8 को हमने पुश कर दिया, तो 10 पहले से था, 8 आ गया। फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई मिला, तो मल्टीप्लाई मिलते ही यानी ऑपरेटर है, तो क्या होगा, स्टैक से लास्ट के 2 एलिमेंट, अब इसमें 2 ही एलिमेंट है, यही लास्ट हुआ, ये पॉप आउट होंगे और कैलकुलेट किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया है 10 और 8 को 80 हुआ, 80 को हमने पुश कर दिया किसमें, उसमें स्टैक में। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 12 मिला। आप इस, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको एक्सप्रेशन नहीं दिख रही होगी, आप लोग एक्सप्रेशन चाहे तो कहीं नोट करके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको तो स्क्रॉल करना पड़ेगा। 12 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद ऑपरेटर, देखिए 12 आया, 12 पुश हो गया, फिर 6 आया, 6 भी पुश हो गया, फिर डिवाइड ऑपरेटर मिला, हमने लास्ट के 2 एलिमेंट यानी 12 और 6 को पॉप आउट किया और उनको डिवाइड किया, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 रिजल्ट आएगा, तो 2 हमने इसमें पुश कर दिया। फिर लास्ट में हमको प्लस मिल रहा है, देखिए प्लस मिल रहा है, तो हमने क्या किया, प्लस लिया, तो 80 और 2 दोनों को हमने पॉप आउट किया और उनको कैलकुलेट किया, तो 82 रिजल्ट आया और 82 हमने पुश कर दिया। फिर इसके बाद 5 को हमने क्या किया, 5 को पुश किया, 82 हो गया और 5 हो गया। फिर माइनस का सिंबल था, तो माइनस सिंबल मिलते ही क्या होगा, ऑपरेटर है और ये लास्ट के दोनों एलिमेंट को पॉप करेगा और लास्ट में क्या होगा, कैलकुलेट होके 77 रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद कोई एलिमेंट बचते नहीं, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट 77 मिलने वाला है, ठीक। ऐसे कोई भी वैल्यू हो आपको इससे ध्यान रखने हैं बस। अगला है, राइट अ मेथड काउंट लाइन इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल text file.txt एंड डिस्प्ले द लाइन विच आर नॉट स्टार्टिंग विद एनी वोवेल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक टेक्स्ट फाइल दी हुई है और उसमें आपको केवल उन्हीं लाइनों को काउंट करना है कि जो ए से स्टार्ट नहीं हो गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर यह हुआ, एन एप्पल वाली एक लाइन है, वी ऑल प्रे वाली एक लाइन है और ये मार्क डिफरेंस वाली एक लाइन है, जिसमें देखिए ये वोवेल से शुरू हो रहा है और एक ये वोवेल से शुरू हो रहा है, ठीक, ए ई आई ओ यू, तो वोवेल तो आपको पता है। द काउंट फंक्शन शुड डिस्प्ले द आउटपुट, कैसा डिस्प्ले दिखना चाहिए, द टोटल लाइन लाइंस नॉट स्टार्टिंग विद एनी वोवेल इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन है। अब इसमें कितनी भी लाइन हो सकती है, आपको कोड ही लिखना, प्रोग्राम इतने ही लाइन का लिखना है। क्या लिखना है, एक डेफ काउंट लाइन नाम का एक फंक्शन बनाना है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइल का नाम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हमने फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, टेक्स्ट फाइल डॉट txt रीड मोड में। लाइंस इक्वल टू क्या होगा, फाइल डॉट रीड लाइंस, रीड लाइंस जब आप करते हो तो एज ए लिस्ट होल फाइल रीड होके और लाइन इसमें वेरिएबल में आ जाएगी लाइंस वाले में। अब हम लोग काउंट करा लेंगे, काउंट एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू पहले से इनिशियल वैल्यू 0 रखी है, डब्ल्यू इन लाइंस, लाइंस एक लिस्ट है और हम इन मेंबर इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। डब्ल्यू क्या है, एक लूप चलाने के लिए हमने यूज किया है। इफ डब्ल्यू एट 0 डॉट लोअर, डॉट लोअर इसलिए लगा दिया गया कि डेट, हाँ एक लूप यूज किया गया है, लूप में फॉर डब्ल्यू इन लाइन यानी जो आपको डेटा मिला है इसमें से, ठीक, क्या करा लेंगे, इसका इंडेंटेशन देखिए गलत हो गया है, इफ जो आएगा वो क्योंकि ये लूप के अंदर आएगा इसलिए इसको इंडेंट करिएगा, ठीक, लोअर डॉट नॉट इन ए ई आई ओ यू, यही सारे वोवेल्स होते हैं, लोअर में इसलिए कन्वर्ट किया गया कि फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है बड़ा हो, ठीक, आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में दे देते और करके, तो काउंट इक्वल टू प्लस 1 यानी काउंट की वैल्यू पहले 0 थी उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और लास्ट में इसको प्रिंट करा लेंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट द नंबर ऑफ लाइन्स नॉट स्टार्टिंग विद एनी वोवेल काउंट या फाइल डॉट, और फिर बाद में फाइल को क्लोज कर देना है। ये पूरा कोड तब तक रन नहीं करेगा जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं, जैसे फंक्शन को कॉल किया जाएगा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये भी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ। राइट द फंक्शन नेम फॉर द फॉलोइंग, फंक्शन नेम देखिए, ओपन अ फाइल,
रीड ऑल कंटेंट ऑफ द फाइल रिटर्न एज लिस्ट। देखिए ओपन अ फाइल के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ओपन फंक्शन। रीड ऑल द कंटेंट ऑफ द फाइल एंड रिटर्न एज लिस्ट, लिस्ट में रिटर्न करने के लिए रीड लाइंस होता है, अभी मैंने ठीक ऊपर दिखाया था। रीड लाइंस क्या करता है, होल कंटेंट को रीड करता है बट एज अ लिस्ट। रीड ऑल कंटेंट ऑफ द फाइल रिटर्न एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होता है, रीड फंक्शन। ये केवल रीड, ये केवल रीड लाइंस और ये ओपन फंक्शन। ठीक, ये तीन नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फ्री का है। यहाँ देखिए एक एक्सप्रेशन टाइप, अगला टाइप हो गया। ठीक, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स बाय शोइंग द स्टैक पोजीशन स्टेप। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जिससे टेबल में हम लोगों ने किया था, वही उसमें भी स्टैक की पोजीशन दिख रही थी। आप चाहें तो इनको बॉक्स बना के छोटे छोटे कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड टाइप करिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे अलग से। वैसे इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस पर्पज से है। ठीक, अगला क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन इंडेक्स डॉट लिस्ट वेयर एल इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट पास्ड एज आर्गुमेंट टू द फंक्शन। द फंक्शन रिटर्न्स अनदर लिस्ट नेम इंडेक्स लिस्ट दैट स्टोर इंडेक्स ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट। सारे इंडेक्सेज आपको शो कराने हैं, कोई एक इंडेक्स है उसमें केवल उन्हीं इंडेक्स को डिस्प्ले कराना है जिसपे नॉन जीरो एलिमेंट है, जिसमें जिसकी वैल्यू जीरो नहीं। द इंडेक्स लिस्ट विल हैव, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए दिया है, एक लिस्ट है जिसमें 12, 4, 0, 11, 0, 56 है, तो द इंडेक्स लिस्ट डिस्प्ले हो तो वो जीरो डिस्प्ले हो, जीरो के नहीं, 12 जीरो इंडेक्स पे था, 4 वन इंडेक्स पे था, तो जीरो ये नॉन जीरो को नहीं डिस्प्ले कराना है, तो 11 को, 56 यानी 0135 को उस इंडेक्स नंबर को डिस्प्ले कराना है। आसान सा प्रोग्राम है, इंडेक्स लिस्ट ये फंक्शन बनाया गया है, उसके अंदर एक लिस्ट पास की गई। ठीक, लिस्ट अभी कहीं नीचे बनाई गई होगी, इंडेक्स लिस्ट ये एम्प्टी एक लिस्ट बना ली गई फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल, जितनी भी लिस्ट की लेंथ है वहां तक ये लूप चलेगा। इफ एल एट आई, आई का मतलब वो एलिमेंट को के एड्रेस को एक्सेस करेगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो नहीं तो इंडेक्स लिस्ट डॉट अपेंड आई, और उसमें आई की वैल्यू को अपेंड कर दें। आई की वैल्यू पहले जीरो होगी, फिर वन होगी, टू होगी, थ्री होगी, तो जहां जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही इंडेक्स नंबर अपेंड होता जाएगा, किस लिस्ट में, इंडेक्स लिस्ट वाले में। ठीक, अब देखिए फंक्शन, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन थी, अब मेन प्रोग्राम पे आते हैं। एक लिस्ट बनी हुई और फंक्शन को कॉल किया गया, क्योंकि यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट है इसलिए फंक्शन को प्रिंट भी कराया गया है। क्लियर है, जैसे कॉल होगा और ये सीधे यहाँ रिसीव होगा और ये सारा प्रोसेस होने लगेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा। अ लिस्ट कंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर, कस्टमर नेम, फोन नंबर एंड सिटी। एक लिस्ट है जिसमें कस्टमर नेम है, फोन नंबर एंड सिटी है। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम स्टेटस। स्टैक का क्वेश्चन है, पुश एलिमेंट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें, पुश एलिमेंट टू पुश एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग नेम एंड फोन नंबर ऑफ द कस्टमर्स हु लिव इन गोवा टू द स्टैक। कोई सिटी, सारी सिटीज होंगी, उसमें से जो गोवा में रहने वाले हैं केवल उन्हीं का फोन नंबर, कस्टमर नेम और फोन नंबर मिले, पुश करना है। और आपको पॉप करना है, तो पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले ऑल्सो, पॉप करना है और उसको डिस्प्ले भी कराना है, उसको डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी भी दिखाना है लास्ट में व्हेन देयर आर नो एलिमेंट। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट दी हुई है गुरदास, उसका फोन नंबर है और उसकी सिटी है, तो नेम, मोबाइल नंबर और सिटी, नेम, मोबाइल नंबर एंड सिटी, ऐसे करके एक लिस्ट दी हुई है। ये एग्जांपल के लिए है कि आप कोई भी लिस्ट ले सकते हैं, कितने भी एलिमेंट की, कितने भी रिकॉर्ड की। तो स्टैक में क्या क्या है, जो गोवा में रहते हैं केवल उन्हीं का नाम डिस्प्ले। आउटपुट कैसा आना चाहिए, आउटपुट ऐसे अस्मित और गुरदास, और उसके बाद स्टैक एम्प्टी भी दिखना चाहिए। तो ये तो हम पॉप कर लेंगे और स्टैक एम्प्टी भी दिखा लेंगे। कैसे करना है, हमने क्या किया है, एक स्टेटस नाम का एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट की। फंक्शन डेफ से स्टार्ट होता है, डिक्लेयर किया जाता है, पुश एलिमेंट, पुश नाम का एक फंक्शन बना लिया है जिसमें कस्टमर को पुश करना है।
हम चेक कर लेते हैं एक कस्टमर, इसमें कस्टमर नाम की एक लिस्ट आई हुई है, एक कस्टमर टू, टू नंबर पर ही आप देखेंगे, इसको देखिए जीरो इंडेक्स पर ही, ये वन इंडेक्स पर, और सिटी कहाँ, टू इंडेक्स पर। तो मैं इसको टू इंडेक्स को चेक करा लेता हूँ, इफ कस्टमर एट टू इक्वल टू गोवा, अगर ये गोवा है तो उसको क्या कर दे, एल वन में कस्टमर डाट आई कस्टमर जीरो और कस्टमर वन, यानी कस्ट वन कस्ट जीरो, ये दोनों नेम और मोबाइल नंबर कहाँ हो जाए, एल वन में, और ये अपेंड करा देना है स्टेटस में जो हमने यहाँ ऊपर बनाई हुई थी। ठीक, तो केवल उन्हीं का नाम अपेंड होगा, उन्हीं का रिकॉर्ड अपेंड होगा जो गोवा में रहते हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा दी गई है ना। पॉप में क्या करना है, पॉप में करना है नम लेंथ ऑफ स्टेट, स्टेटस लेंथ उस लिस्ट की हमको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक, अब क्या करना है, व्हाइल लेंथ स्टेटस नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक लिस्ट जीरो ना हो जाए तब तक पॉप आउट करना है। हमको डिलीटेड आइटम जितने भी हैं वो स्टेटस डॉट पॉप, पॉप फंक्शन आप लोग जानते हैं क्या करता है, पॉप लिस्ट में लिस्ट का है फंक्शन, और ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट हैं लास्ट से वन बाय वन रिमूव करता रहेगा, डिलीट करता रहेगा या पॉप आउट करता रहेगा। ठीक, और प्रिंट कर देना है उस डिलीटेड आइटम को, क्योंकि हमको प्रिंट भी करना था। नंबर इक्वल टू नंबर माइनस वन, लेंथ तक हम लोग ले गए थे, तो हर बार एक एक स्टेप पीछे आते रहेंगे, और वो कब तक, जब तक लिस्ट में कोई एलिमेंट रहता है तब तक पॉप आउट होगा। पॉप आउट होने के बाद मैसेज भी आना है, तो आप देखिए नया कॉन्सेप्ट आपको दिखा होगा, वाइल आपने इफ के साथ एल्स यूज किया होगा, जबकि वाइल के साथ भी एल्स यूज किया जा सकता है, और जब वाइल के साथ एल्स एग्जीक्यूट होता है तो वाइल पोर्शन भी एग्जीक्यूट होता है साथ में, और एल्स पोर्शन भी एग्जीक्यूट होता है वाइल खत्म होने के बाद। ठीक, तो स्टैक में क्या, इसमें सॉरी एल्स में हमने प्रिंट एम्प्टी स्टैक कर दिया, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट है सेक्शन ई, फोर मार्क्स के क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन दिया है, राइट ऑफ फंक्शन इन पाइथन टू पुश आइटम, ये भी किसका है, ये स्टैक का क्वेश्चन है। आइटम्स इन डिक्शनरी कंटेनिंग द डिटेल ऑफ द स्टेशनरी आइटम, जैसे स्टेशनरी नेम और प्राइस की वैल्यू पेयर होते हैं। द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ दोज आइटम इन द स्टैक हु हैव प्राइस ग्रेटर देन 75। देखिए आपके पास क्या होगा स्टैक, यानी उसमें होगा आपका डिक्शनरी, डिक्शनरी में जो स्टेशनरी नेम और उसका प्राइस होगा, उसकी एक डेटा मिल गया आपको, उसमें केवल उन्हीं डेटा को, उन्हीं आइटम्स को रखना है जिनका प्राइस 75 से ग्रेटर है। ऑल्सो डिस्प्ले द काउंट द एलिमेंट पुश्ड इन टू द स्टैक, काउंट भी करते रहना, तो काउंट करना आसान है, आप काउंट फंक्शन काउंट लगा देंगे कोई भी एक काउंटर चलाने के लिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए एक डिक्शनरी आइटम दिया हुआ है, डी आइटम, उसमें पेन 106, पेंसिल 59, नोटबुक 80 और इरेजर 25, तो इसमें केवल पेन का 106 रुपीज प्राइस है और नोटबुक का 80 रुपीज प्राइस है, केवल यही दो नोटबुक और पेन ही डिस्प्ले होने चाहिए। द आउटपुट शुड कंटेन द काउंट ऑफ द एलिमेंट इन द स्टैक इज 2। इसके लिए बहुत आसान सा प्रोग्राम है। ठीक, आपने प्रोग्राम में एक स्टैक आइटम, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली है, पुश किया आइटम को काउंटर चलाने के लिए, के इन एस आइटम मतलब जो आपकी लिस्ट आने वाली है। ठीक, उसमें हम लोग चेक करेंगे फॉर के इन एस आइटम, इफ एस आइटम एट के इज ग्रेटर देन, के मतलब की। ठीक है, और उस पर अगर वैल्यू, उसकी वैल्यू 75 से ग्रेटर या इक्वल है तो उसको अपेंड करा देना है स्टॉक आइटम में। ठीक है, और इसमें अपेंड हो जाएगा और उसको काउंट भी कर लेगा। लास्ट में हम लोग उसी को प्रिंट करा ले रहे हैं, प्रिंट द काउंट एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज काउंट, और ये डिक्शनरी हो गई मेन प्रोग्राम में, और फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पर हो गई 35। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो, टी इक्वल टू 5 डेफ, ये यहाँ पर आपको सम नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, क्यू आर, आर की वैल्यू पहले से 2 इनिशियलाइज करा दी, यानी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। ग्लोबल पी, पी को बनाया गया है ग्लोबल, पी में क्या रहा है, आर प्लस क्यू की पावर 2, प्रिंट पी और है। अब ए और बी दो वेरिएबल है, वेट, चलिए इसको देखते हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, पहले हम देख रहे हैं फंक्शन
ये मेन में लिखा हुआ, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, सम फंक्शन को कॉल किया गया है। देखिए पहली बार कोई वैल्यू नहीं दी गई, ए और बी पास किया गया, तो बहुत आसान सा है। ए जब पास किया जाएगा तो 2 में आ जाएगा, बी पास किया जाएगा तो 2 में आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पी और क्यू और आर की वैल्यू बन जाएगी, ए की 10 और बी की 5। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू 2 नहीं ली जाएगी, जो बाद में पास होके आई ही नहीं, 5 ली जाएगी। ठीक, पी को बनाया गया ग्लोबल, देखते हैं क्या कैलकुलेट होता है। आर प्लस क्यू, आर मतलब 2, सॉरी 5, और क्यू, क्यू मतलब 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, और आर की वैल्यू 5 यानी 105 प्रिंट करेगा। एंड क्या करना है इसके बाद, एंड में हैश प्रिंट होगा, हैश प्रिंट हो गया, दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है, दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो आर की वैल्यू 5 और क्यू की वैल्यू 1। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आर और क्यू यहाँ भी डिक्लेयर किए गए, यहाँ पर ये पोजिशनल आर्गुमेंट है। ठीक, यानी यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ पर 5 ही रहने वाली है, क्यू की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा रिजल्ट 6, और 6 के बाद हैश प्रिंट हो जाएगा, यानी इसका जो फाइनल आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 105 हैश 6 हैश। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। ओके।